नमस्कार, मेरा नाम है निष्काम भाटिया और आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स। आज हम लोग कोशिश करेंगे इस पीनट बटर को कैप्चर करने की और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इस पीनट बटर के साथ में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नॉर्मल बैकग्राउंड लिया कार्डबोर्ड का, बिकॉज पीनट बटर का जो कलर होता है वो कार्डबोर्ड के कलर से मैच करता है। नीचे एक वुडन ब्लॉक लगाया, उसके ऊपर पीनट बटर रखा और नॉर्मल जो नेचुरल लाइट आ रही थी मेरे घर के अंदर, वहाँ पे मैंने एक कैप्चर की इमेज, और वो इमेज मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिली। ठीक है, नॉर्मल इमेज लग रही है एकदम, और इसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हम इसके साथ में, और ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर इस इमेज को इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो शायद ही ज़्यादा आईज इसके ऊपर टिके, ज़्यादा व्यूअर्स इसको देखना पसंद करें। कुछ अट्रैक्टिव करना पड़ेगा इसके साथ में, तो सबसे पहले तो लाइट लेकर आएंगे अपनी खुद की, ताकि हमारा ज़्यादा कंट्रोल रह सके लाइट के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने लाइट को बिल्कुल 90 डिग्री पे सेटअप किया है, मतलब कैमरा से 90 डिग्री पे, या यूँ कहे प्रोडक्ट के राइट साइड पर। आप चाहें तो लेफ्ट पे, राइट पे, प्रोडक्ट के पीछे, जैसा आपको पसंद हो वैसा कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे जो मेन चीज़ चाहिए वो प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी खासी लाइट चाहिए। अब अगर मैं राइट पे लाइट को रख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लेफ्ट की तरफ शेडो आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक नॉर्मल कैप्चर करके इमेज को, फ्लैश मैंने यहाँ पे लगाई है और जैसे ही मैंने इमेज कैप्चर की तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मुझे देखने को मिला। जैसे कि लेफ्ट पार्ट आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक रिफ्लेक्टर। अब वो चाहे तो 5-in-1 रिफ्लेक्टर डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन जो शिपिंग बैग्स आते हैं अमेज़ोन या फिर जो फ्लिपकार्ट वाले शिपिंग बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल करूँगा। ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे शिपिंग बैग्स, तो मैंने कार्डबोर्ड उसके अंदर एक डाला शिपिंग बैग के अंदर और उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से टिका दिया। अब क्या होगा, शिपिंग बैग वाइट कलर का है तो रिफ्लेक्ट करेगा जो लाइट मेरी राइट साइड से आ रही है उसको, सो काफ़ी अच्छा एक लाइट सोर्स अलग से बन जाएगा और एक तरह से फिल लाइट का काम करेगा। यहाँ पर दो तरह की लाइट होती है, एक की लाइट होती है और एक फिल लाइट होती है। की लाइट जो होती है वो आपकी मेन लाइट होती है, यहाँ पे मेरे पास में की लाइट जो है वो है फ्लैश। अब मेरी फिल लाइट का काम ये रिफ्लेक्टर करेगा। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। आपने देखा कि कैसे हमने जो लेफ्ट साइड से शेडो थी उसको एकदम रिमूव कर दिया रिफ्लेक्टर लगा के दूसरी तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जो लाइट पड़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अब लाइट को सॉफ्ट करने के लिए लाइट के आगे लगाना पड़ेगा एक मॉडिफायर या फिर डिफ्यूज़र, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा एक अम्ब्रेला का, और अम्ब्रेला को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लाइट के आगे ताकि एक तरह से डिफ्यूज़र का काम करे और जो हार्ड लाइट आ रही है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हार्ड लाइट सॉफ्ट कैसे होगी, एक सिंपल सा रूल मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता आया हूँ, इस बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि जितना बड़ा लाइट का सोर्स होगा लाइट उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब यहाँ पे लाइट का सोर्स काफ़ी ज़्यादा छोटा था इस वजह से हार्ड लाइट आ रही थी, तो हमने लाइट का सोर्स बड़ा कर दिया अम्ब्रेला लगाकर। सेम लाइट को मैं पोजीशन कर दूंगा, हल्की फुल्की आप एडजस्ट करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा कि कैसा प्रोडक्ट के ऊपर लाइट के ऊपर कैसा प्रोडक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है। मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, हल्का फुल्का लाइट को एडजस्ट करके देख रहा हूँ। लाइट को सॉफ्ट करने के बाद में जो मुझे रिजल्ट मिला वो कुछ इस तरह का था। आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट, बट मुझे कुछ और भी करना था इसके साथ में। अब हमारा प्रोडक्ट तो एकदम ठीक से लिट हो चुका है और फोटो भी काफ़ी अच्छी आई है, बट मुझे इस इमेज के अंदर उतना ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है। मतलब मैं अगर इसको इंस्टाग्राम पे डालूंगा या फिर किसी ब्रांड को दूंगा इसको इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, तो ये इमेज उतनी पावरफुल नहीं है कि किसी भी व्यूअर को अट्रैक्ट कर सके। अब इंस्टाग्राम पे आप जानते हैं कि किस तरह की इमेजेस ज़्यादा चलती हैं, जैसे कलरफुल इमेजेस हो गई, मोनोक्रोमेटिक इमेजेस हो गई, तो कुछ इस तरह की इमेजेस इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चलती है, बट हमारी इस इमेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर मैं अपने बैकग्राउंड को चेंज करने वाला हूँ, लेकिन इस इमेज को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इस इमेज को मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा क्या किया मैंने इस इमेज के साथ में। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल सी चीज़ करूँगा, मेरे पास यहाँ पे क्राफ्ट पेपर पड़े हुए थे,
क्राफ्ट पेपर को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, उसमें मैं लेकर आया स्काई ब्लू कलर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ग्रीन और ब्लू जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का इस्तेमाल करके आप इमेज के अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट ला सकते हैं और इमेज को एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको अगर कलर्स ढूंढने हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट बता रखी है colors.adobe.com, यहाँ पे जाके आप अपनी इमेज के लिए कलर्स ढूंढ सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, फोरग्राउंड कौन सा चाहिए, उस इमेज के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स को आपने लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। तो बैकग्राउंड मैंने लगा दिया है यहाँ पे ब्लू, स्काई ब्लू कलर का, और इस पे मैं सेम प्लेस करूँगा। मेरी लाइटिंग पोजीशन सेट थी, एक राइट में है और लेफ्ट में मेरा जो है रिफ्लेक्टर लगा हुआ है फिल लाइट के लिए। शॉट क्लिक करके देखता हूँ एक, तो कुछ इस तरह से नॉर्मल मेरे को शॉट देखने को मिला। अब प्रॉब्लम इस शॉट के साथ में ये है कि काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है, काफ़ी बोरिंग सा लग रहा है शॉट। हाँ, चाहूँ तो इस शॉट में मैं ग्राफिक्स डाल सकता हूँ, कुछ नीचे लिख सकता हूँ, लोगो लगा सकता हूँ ब्रांड का, बट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस शॉट को यहाँ पे मैं डालूंगा पीनट्स। अब ऑब्वियसली पीनट बटर है, तो पीनट्स ना हो तो फिर पीनट बटर के साथ में कैसे जस्टिस कर सकते हैं। मेरे पास जो पीनट्स पड़ी थी घर पर, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बिछा दिया है। अब इससे क्या होगा, मुझे एक डेप्थ भी मिलेगी, एक तरह से लीडिंग लाइन का भी पीनट्स जो है रोल प्ले करेंगे। जो कंपोजिशन में रोल आप सीखते हैं लीडिंग लाइंस का, लीडिंग लाइंस यूज करके आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको और पॉप आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से डेप्थ भी क्रिएट हो गई, लीडिंग लाइंस भी क्रिएट हो गई। एक शॉट आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरह का मुझे स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा शॉट देखने को मिला। इस एंगल से मैं सेटिस्फाइड हो चुका था। चलिए अब ट्राई करते हैं एक दूसरा एंगल जो कि एकदम प्रोडक्ट के ऊपर से है। इसको बर्ड आई व्यू भी कहा जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू ऊपर से आता है प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट में आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट का जो लेबल है, जो ब्रांड है, वो काफ़ी अच्छे से दिखे, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है प्रोडक्ट के लिए। दो इमेजेस हमारे पास अभी मिल चुकी है, तीन इमेजेस एक्चुअली मिल चुकी है। एक पुरानी वाली जो कि बिना ब्लू बैकग्राउंड के थी, उसके साथ भी हम कुछ करेंगे, और इन दो इमेजेस के साथ में हम कैसे एडिट करते हैं आइए वो देखते हैं। तो इन दो इमेजेस को एडिट करने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो इसको फोटोशॉप में ओपन किया और स्पॉट हीलिंग ब्रश का इस्तेमाल करते हुए जो भी फालतू के पैचेस दिख रहे थे या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ गए थे प्रोडक्ट के ऊपर, उसको मैंने साफ़ कर दिया। देन आफ्टर क्लीनिंग डस्ट पार्टिकल्स, मुझे मेरा प्रोडक्ट एकदम जब लगा कि साफ दिख रहा है, मैंने बैकग्राउंड पे थोड़ा सा काम करना चालू किया और थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट किए, लेवल्स के साथ में, कर्व्स के साथ में एडजस्टमेंट किए, जो बेसिक एडजस्टमेंट्स होते हैं सारे के सारे। उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट मुझे कुछ दिखने को मिला वो ऐसा था। देन अगेन सेकेंड इमेज को भी मैंने सेम प्रोसेस के साथ में फॉलो किया एडिटिंग करने के लिए। थोड़ी बहुत इसमें मैंने स्ट्रेटनिंग भी की, क्योंकि जो कैमरा से जब मैं फोटो खींच रहा था थोड़ा सा शॉट टेढ़ा हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इमेज को स्ट्रेट भी किया। फाइनल रिजल्ट उसका भी मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिला। आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस शॉर्ट्स। मैं इसको इंस्टाग्राम पे डाल सकता हूँ, वेबसाइट पे लगा सकता हूँ। किसी भी ब्रांड के लिए अगर आप कुछ इस तरह के शॉर्ट्स कैप्चर कर सकते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हायर होने के। जो हमने कहा था कि एक इमेज को हम लास्ट तक एडिट करेंगे, तो उसमें मैंने क्या किया, उस इमेज के लिए मैं फोटोशॉप में गया, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद में मैं उसको लेकर गया कैनवा में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बैकग्राउंड के साथ में छेड़छाड़ करने के। वहाँ पे मैंने कुछ छेड़छाड़ करके एडिटिंग करके तो कुछ इस तरह का फाइनल रिजल्ट मैं लेकर आया। काफ़ी प्लीजिंग रिजल्ट था ये, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे पर्सनली। सो एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए, ताकि आप घर में बैठकर कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आपके आसपास पड़े हुए हैं उसके साथ में एक्सपेरिमेंट करके इमेजेस क्लिक कर सकें। और जैसा आपने देखा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं लग रहा है, सिर्फ क्राफ्ट पेपर्स का इस्तेमाल करके और एक सिंगल लाइट का इस्तेमाल करके ही आप बेहतरीन इमेजेस क्लिक कर सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में मेरी मदद करें, और प्लीज़ 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 अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो वैक्सीन लगवा लीजिए, अवेलेबल है अगर आपके आसपास तो। आई होप कि जो ये सब चल रहा है ये जल्दी ख़त्म हो जाए, कोरोना जल्दी भाग जाए हमारे देश से, इवन पूरी दुनिया से, और हम लोग फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जी सके पहले जैसे। ट्राई ज़रूर करना कैप्चर करने की जो भी आपके घर में अवेलेबल है प्रोडक्ट, ज़रूरी नहीं पीनट बटर ही करना है। शैम्पू की बोटल्स उठा के देख सकते हैं, ऑयल की बोटल्स उठा के देख सकते हैं, घर में कुछ सॉस आई है सॉस उठा के देख सकते हैं, डजेंट मैटर। पुराने हो चुके हैं अगर वो प्रोडक्ट, अगर वो ख़राब हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस अपनी लाइट मास्टरी करनी है और बैकग्राउंड उसके साथ में कैसा रहेगा सही उसके ऊपर मास्टर करना है। ये सब चीज़ें अगर आपको आ जाएंगी तो आपकी जो फोटोग्राफी है वो घर बैठे बैठे ही इम्प्रूव हो जाएगी, आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। विद दैट बिंग सैड, मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।